वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं इंक्लाइंड लेटर टेक्निक। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने वर्टिकल लेटर टेक्निक को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे उनको उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं यहाँ पर पूरा मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो आपका वर्टिकल लेटर्स होते थे ये उनसे कैसे अलग हैं। अगर आपको लेटर्स लिखने का तरीका समझना है तो इसके प्रीवियस लेट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 उसको आप देख सकते हैं। आप ऊपर आई बॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो प्रोसीजर फॉलो होना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। आपको जो लेक्चर 4 है और लेक्चर जो ये आपके सामने 5 है, आप कोशिश करें कि ये दोनों एक साथ देखें जब भी देखें, ताकि आपको लेटर टेक्निक से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो लेटर्स के रिगार्डिंग मैंने स्टैंडर्ड्स का वीडियो बनाया था, तो आप उसके लिए लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फाबेट्स की बात करते हैं। तो अल्फाबेट्स कैसे बनाने हैं, गाइडलाइंस क्या होंगी इसकी, उनको देखेंगे यहाँ पर हम लोग। देखिए यहाँ पर सिंपल, जैसे हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर पर देखा था वैसे ही सिंपल, हमको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस दो ड्रॉ करनी है, ठीक है। 10 mm पे मैं ये लेटर्स जनरेट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 10 mm होगा, ठीक है। बाकी जो कैलकुलेशन है मैंने बताई है उसमें कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, आपको वैसे ही कैलकुलेशन करनी होगी ताकि आप यहाँ पर चौड़ाई निकाल सकें। 10 mm हाइट के लिए चौड़ाई आती है 6 mm, ठीक है। ये जो गैप है ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो ये सब चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर को ही देखें। यहाँ पर जो मेन फोकस है मेरा वो इंक्लाइंड पर है, तो इंक्लाइंड पे यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट टाइम जब हम लोग गाइडलाइन पर बना रहे थे तो ये वर्टिकल लाइन बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है। वर्टिकल लाइन बनाने के बाद यहाँ से इस वर्टिकल लाइन और इस इंक्लाइंड लाइन के बीच का जो गैप है वो 6 mm ही है, ठीक है। लास्ट टाइम बस ये 90 डिग्री पे थी, अभी ये हमारी जो लाइन है ये 90 डिग्री पे ना होकर के ये देखिए यहाँ पर 75 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाती है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक 90 डिग्री लाइन बना लीजिएगा, फिर इसके आप रेफरेंस ले सकते हैं इस लाइन का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रेफरेंस लेंगे, यहाँ से ये एंगल आपका 75 डिग्री होना चाहिए। एक आप जनरेट कर लीजिए, फिर बाकी इसी के पैरेलल 6 mm के डिस्टेंस में बाकी सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी जितनी भी इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। तो वो बहुत ही आसानी से आपका पैरेलल लाइन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर होता है आप लोगों के पास, इसके अलावा मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो भी आप सेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पर पैरेलल लाइन जनरेट कर सकते हैं। बाकी इन लेटर्स को बनाना कैसे है उसका पूरा डिस्कशन मैं ऑलरेडी लेक्चर 4 पे कर चुका हूँ, तो वहाँ पर आप उस वीडियो का जाकर के आप लोग देख लें, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी किस लेटर को कैसे जनरेट करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन की तरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन जो होते हैं इसमें एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस होते हैं, बस लैंग्वेज में बोल देता है कि आपको इस बार वर्टिकल ना करके इंक्लाइन करना है। देखिए क्वेश्चन पहला, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, तो सेम चीज लिखी है, सेम गैप्स हैं जो भी थे, सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो जो लाइंस थी वो पिछली बार वर्टिकल थी 90 डिग्री के एंगल पे, इस बार 75 डिग्री के एंगल पे, बस आपको वो ध्यान देना है। बाकी पैरेलल लाइन जनरेट करते जाएंगे 75 डिग्री के, तो आप सेम रूल फॉलो करेंगे जो वर्टिकल लेटर टेक्निकली होते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये 3 है, आप इनके 3 की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। जो बैक पेपर दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।